कुछ दिन पहले वज्रपात हुआ था, कहने का मतलब वज्र ऊपर से गिरा था और यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस नए व्लॉग पे। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग सभी अच्छे ही होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो फिलहाल दो दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, जो भी पंचायती चुनाव में हम लोगों ने ऑर्डर लिया था दोस्तों फ्लैक्स वगैरह पंपलेट वगैरह का, उसी में दोस्तों हम लोग बिजी हो गए थे और वीडियो बनाने का फुर्सत तक नहीं मिल रहा था। दोस्तों जितना भी ऑर्डर था दोस्तों वो हम लोगों ने ला के दे दिया है प्रिंट वगैरह करा के, बाकी बचा खुचा ऑर्डर दोस्तों हम लोगों ने बाद में फिर से लिया था, तो उसी को दोस्तों आज फिर से हम लोग लाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज का दिन कैसा गुजरता है वो देखते हैं। और आज का मौसम भी दोस्तों पूरा बादल हो रखा है आसमान में, तो चलिए आज का मौसम ऐसा अच्छा है, ठंडा ठंडा सा है। आज का दिन कैसा गुजरता है और मेरे साथ है शशि, हर वीडियो में दोस्तों मेरे साथ शशि ही रहता है आपको पता होगा, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें काम कराना है, ऊपर यशोदा फ्लैक्स लिखा हुआ है, यहीं पे दोस्तों हम लोग का काम होगा। और यहां पहुंचने में दोस्तों हमें 2 घंटे लग गए, मतलब 2.25 घंटे लगे हैं। तो चलिए अपना काम कराते हैं फिर निकलेंगे। तो हम लोगों का जो काम है वो थोड़ा सा लेट होगा, कहने का मतलब ये लोग बोल रहे थे कि 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तब तक दोस्तों मेरा बाइक में कुछ कुछ काम कराना है तो उसी को हम रिपेयर करा के आते हैं। बाइक का जो चाबी है वो ऑटोमेटिक अपने से निकल जाता है दोस्तों, तो उसी को चेंज कराते हैं, नया लगवा के आएंगे। तो चलिए सीधे ऊपर चौक, बाइक रिपेयरिंग की दुकान दोस्तों ऊपर चौक में ही है, तो चलिए चलते हैं। आज का दिन ना दोस्तों हम लोग का बहुत ही खराब गया है, कहने का मतलब बहुत लेट, हर जगह लेट पे लेट हो रहा था दोस्तों। प्रिंटिंग दुकान पे दोस्तों बहुत ज़्यादा लेट, फिर उसके बाद अपने बाइक रिपेयर करने के लिए दिया था वहाँ पर भी दोस्तों बहुत लेट। जो भी हुआ दोस्तों सीधे चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों शशि भर रहा है पानी, और यहाँ का पानी दोस्तों काफ़ी ठंडा रहता है इसलिए हम लोग यहीं पर भर लेते हैं पानी। और ये रही शनिदेव की मंदिर, आज खुली है दोस्तों, दर्शन कर लीजिए। बारी से 5 किलोमीटर पीछे हम लोग लौट गए, कहने का मतलब दोस्तों खुटी से हम लोग घर जा रहे हैं। तो इस दौरान यहाँ पर एक गाँव पड़ता है रिडूंग, तो इस गाँव में दोस्तों कुछ दिन पहले वज्रपात हुआ था, कहने का मतलब वज्र ऊपर से गिरा था और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पेड़ को जो है तहस नहस कर था। ये पेड़ था दोस्तों वो पूरा एकदम गिर चुका है। ये बात है दोस्तों उस दिन की जिस दिन हम लोग फर्स्ट दिन आए थे, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा हम लोग आए थे उसी दिन का बात है दोस्तों। हम लोग लौट रहे थे उसी दिन, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी उसी दिन का बात है। तो आप देख सकते हैं पीछे, एक बार आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ऐसा हो चुका है पूरा, कहने का मतलब उस दिन से जो आग लगी है दोस्तों इस पर, और फिर भी ये दोस्तों ये बुझ नहीं रहा है, कहने का मतलब ये जल ही रहा है। 50 कदम के दूर पे है फिर भी दोस्तों वहाँ से यहाँ तक सेक रहा है, वहाँ का आग जो है बुझा नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं, और शाम भी हो चुकी है दोस्तों तो हम लोग अच्छा से ठंडा ठंडा पहुँचेंगे। और ये रहा दोस्तों हम लोग का सामान, कुछ कुछ फ्लैक्स वगैरह भी है और कुछ कुछ पंपलेट वगैरह भी है, तो चलिए चलते हैं।